वी आर द स्टूडेंट ऑफ बस्ती मेडिकल कॉलेज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्य सागर एंड मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट जस्ट कॉलेज के जो बॉयज़ हॉस्टल है, जो सीनियर बॉयज़ हॉस्टल है, जस्ट उसके बाहर ही खड़ा हूँ। और आज हम ब्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ का जूनियर हॉस्टल कैसा है। ये पीछे जो है ये सीनियर बॉयज़ हॉस्टल है और इधर जो है जूनियर बॉयज़ हॉस्टल है। चलते हैं जूनियर बॉयज़ हॉस्टल में। बिल्कुल, ये हमारे साथ हैं फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट। चलिए इनके साथ अंदर चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारा बॉयज़ हॉस्टल। आइए बॉस, आपको दिखाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है और उस साइड बाथरूम है और इस साइड हमारा मेस है। हम लोग इधर खाना खाते हैं, हमारा खाना इधर ही आता है। आइए आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलते हैं। RBS दिखाओ क्या क्या रूम में फैसिलिटीज़ हैं। जी बॉस, आइए। चलो जी बॉस, बॉस आपको दिखाते हैं रूम में। ये रूम में ये देखिए, सुधांशु भाई अपने हैं, ये पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। जैसा कि मैं एनाटॉमी पढ़ रहा था उसमें स्पाइनल कॉर्ड, अभी मैं मेनिंजियल कवरिंग पढ़ रहा था उसमें और कहाँ तक पाया मैटर, कहाँ तक ड्यूरा मैटर एक्सपेंड। अरे भाई, स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी बाद में पढ़ लेना यार, अपने रूम की एनाटॉमी दिखाओ, हम व्लॉग बना रहे हैं। बॉस यहाँ पे रूल ऑफ टू चलता है। जैसे यहाँ पे बेड भी टू है, ठीक है, अलमीरा भी टू है, फैन भी टू है, चेयर भी टू है, टेबल्स भी टू हैं। अच्छा, तुम्हारे रूम में यूनिलैटरल क्या है, सिंगल क्या है? यूनिलैटरल पर्सनल चीज़ें हैं बॉस, जैसे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेता हूँ, थोड़ा अपनी पर्सनल चीज़ें एक्टिविटी, जैसे मैं क्राफ्ट के तौर पे बुक में ये मिलता है तो ये देखिए इंग्वाइनल कैनाल का मॉडल मैं अपने हाथ से बनाया। ठीक है, रूम पे एनाटॉमी में लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत। वॉल की एनाटॉमी बताओ, इस तुम्हारे रूम में कितने वॉल हैं? बॉस यहाँ पे वॉल देखा जाए तो 4 वॉल्स हैं। अगर एनाटॉमी के रूप से देखा जाए तो ये एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल्स हैं। ऊपर हमारा फ्लोर है, ऊपर सीलिंग है और रूफ कर सकते हैं और नीचे फ्लोर है। इंटीरियर वॉल में सबसे लार्ज ओपनिंग हमारी विंडो है, जो उसके अंदर माइनर ओपनिंग्स भी हैं और मिडिल साइज़ की ओपनिंग्स भी हैं। तो जैसा कि अभी आपने एक रूम की एनाटॉमी देखी और उसी हिसाब से अगर आपको पूरा बॉयज़ हॉस्टल अगर आपको दिखाना हो तो ये 3 फ्लोर का हॉस्टल है। पहला आपका ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर आता है। तो चलिए नेक्स्ट फ्लोर पे चल के देखते हैं और उसके बाद अपन छत पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कैसा व्यू आपको देखने को मिलता है। जल्दी करते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है आपको। राइट साइड में एक बार फिर से बाथरूम दिख जाएगा, फिर ऐसे मल्टीपल रूम्स हैं और यहाँ पे आपको मिडिल में यहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं यहाँ पे, वेंटिलेशन की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। और आप उधर दिखाओ, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वाटर सिस्टम भी है यहाँ पे, मतलब अगर कभी आग लगती है तो आग बुझाने वगैरह के लिए यहाँ से आप जो है पानी से उसको बुझा सकते हो। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पे। उसी तरीके से सेम अगर यहाँ पे भी है एंड इसके बाद फिर ये हमें आज़ादी दिखती है छत की तरफ। और ये रहा हमारे बॉयज़ हॉस्टल का छत। तो यहाँ से अगर आपको दिखाएं पूरे कॉलेज का व्यू कैसा है तो इस तरफ आया आपका सीनियर बॉयज़ हॉस्टल। उसके सामने अगर आप देखोगे तो वो जो दिख रहा है वो हमारी मेन एकेडमिक बिल्डिंग है, हमारी क्लासेस वहीं पे चलती हैं। और इस तरफ अगर आप देख लेंगे तो वो आपका जूनियर गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी दूर है। उसके बाद अगर आप उधर वाला हॉस्टल देखेंगे जो और दूर में है थोड़ा सा, वो जो है आपका है सीनियर गर्ल्स हॉस्टल है। उधर ले लो भाई। और ये कुछ सेकेंड ईयर के हमारे दोस्त। ये ज़ूम कर। ओए। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये प्लूरीपोटेंट होते हैं और इनके अंदर कई तरह के टैलेंट होते हैं। तो जैसे कि अब आपने हॉस्टल देख लिया है, अब चलिए आपको यहाँ के लोगों से मिलाते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज RBS। तो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट रूम में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैचमेट क्या कर रहा है। हाय, दिस इज शिवम कुमार। अच्छा, तो क्या हमारे ऑडियंस को थोड़ा दिखाना चाहेंगे अपना बजा के?
जी बिल्कुल। दोस्तों आपने शिवम भाई का गिटार सुनी लिया होगा। वैसे इनका एक पर्सनल खुद का चैनल है द एसकेआर करके, का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बन। ये हमारा सिटी जूनियर है धर्मेंद्र, और इसके टैलेंट के बारे में देखते हैं। तो बॉयज़ हॉस्टल की छत का माहौल ही कुछ और होता है, यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। उसी तरीके से हम एक जर्नलिस्ट, पोएट और सिंगर से आपसे मिलाते हैं, जो अभी आपको एक पोएट्री सुनाएंगे। क्या है पोएट्री का टाइटल? जी पोएट्री का टाइटल है बॉस, किसी के बिना कोई मर तो नहीं जाता। तो लिखा है कुछ इस प्रकार कि आसमां में सितारे अधूरे तो ज़रूर लगते हैं और चाँद भी तो अपना नहीं लगता, पर सब कुछ ठहर तो नहीं जाता। कुछ तकलीफ़ें दिल में छिपानी तो ज़रूर पड़ती हैं और आंसू के समंदर को भी, पर किसी के बिना कोई मर तो नहीं जाता। मलाल सी होती है कुछ दिल में और खुद से शिकायतें भी बहुत, मलाल सी होती हैं दिल में और खुद से शिकायतें भी बहुत, पर इश्क की तकलीफ़ों से हर सफ़र गुजर तो नहीं जाता। कुछ तकलीफ़ें दिल में छिपानी तो ज़रूर पड़ती हैं और आंसुओं के समंदर को भी, पर किसी के बिना कोई मर तो नहीं जाता। कभी हमें भी हुई थी मोहब्बत और हम भी संवारा करते थे किसी की जुल्फ़ें, कभी हमें भी हुई थी मोहब्बत और हम भी संवारा करते थे किसी की जुल्फ़ें, पर इश्क में सब कुछ संवर तो नहीं जाता। कुछ तकलीफ़ें दिल में छिपानी तो ज़रूर पड़ती हैं और आंसुओं के समंदर को भी, पर किसी के बिना कोई मर तो नहीं जाता। हमने भी सोच लिया था कि लुटा देंगे हम सब कुछ, हमने भी सोच लिया था कि हम लुटा देंगे सब कुछ और मिटा देंगे खुद को, पर ख्याल आया हमें बाद में कि एक तिनके से सब कुछ बिखर तो नहीं जाता। कुछ तकलीफ़ें छिपानी तो ज़रूर पड़ती हैं और आंसुओं के समंदर को भी, पर किसी के बिना कोई मर तो नहीं जाता। So thank you so much for watching this video till end. We will meet soon again in the next video. Hello दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो का पार्ट टू ज़रूर देखें। टूअर टू बस्ती मेडिकल कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल पार्ट टू ज़रूर देखें। तब तक लिए ओके बाय। ओके बाय बाय बाय।